फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे कि 12 वोल्ट वाले सोलर पैनल से 6 वोल्ट की बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपने इस तरह के 6 वोल्ट वाली बैटरी बहुत सारे देखे होंगे। इसमें 6 वोल्ट 5 AH लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली ये जो है 6 वोल्ट 4.5 AH का बैटरी आता है। तो 12 वोल्ट सोलर पैनल यहाँ कहने से मतलब है कि ऐसा सोलर पैनल जो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, आप उससे कैसे 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मैं हूं विशाल आनंद और आपका सोलर टेक इंसाइडर में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल होता है, ये सोलर पैनल के VOC के अनुसार डिसाइड किया जाता है। सोलर पैनल में देखिए एक टर्म लिखा हुआ रहता है ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ ब्रैकेट में देखिए VOC लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 24.8 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, अगर सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज 17 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट के अंदर हो तो वैसा सोलर पैनल 12 वोल्ट का सोलर पैनल कहलाता है, क्योंकि इससे हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ऐसा सोलर पैनल से आप कैसे 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। अभी जो यहाँ पे सोलर पैनल लिए हैं, ये लूम सोलर है 10 वाट पीक का। यहाँ पर देखिए पावर रेटिंग यहाँ पर मैंसन किया हुआ है, मैक्सिमम पावर PMAX 10 वाट पीक। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेंगे। 6 वोल्ट की इस तरह की बैटरी को चार्ज करने के लिए एक वोल्टेज को स्टैंडर्ड किया गया है, जिसके लिए हम लोग एक एम्पटेक कंपनी का बैटरी को लेते हैं। एम्पटेक कंपनी के बैटरी में आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइकिल यूज, और ये लिखा हुआ है 7.20 से 7.50 वोल्ट, यही होता है ये 6 वोल्ट की बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है इनिशियल करंट <1.35 एम्पियर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआती में जो है हम लोग इस बैटरी की चार्जिंग के लिए 1.35 एम्पियर से कम ही करंट दे सकते हैं। लूम सोलर जो है इसका करंट जो है अंडर लोड कंडीशन में ये 0.50 एम्पियर यानी 500 mA ही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए ये हार्मफुल नहीं होगा। तो अब करना क्या होगा, इसके वोल्टेज को डाउन करना होगा, क्योंकि अंडर लोड कंडीशन में 20 वोल्ट आउटपुट देता है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMP 20 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, लेकिन हम लोग को चाहिए अभी 7.20 से लेके 7.50 वोल्ट के बीच, तो 7.20 वोल्ट ही हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए DC के केस में DC to DC बक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग ये DC to DC बक कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। इसका मॉडल नंबर है देखिए LM2596 DC to DC। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये एरो लिखा हुआ है, कहने का मतलब इधर इनपुट हो गया, इधर आउटपुट हो गया। तो इसी के हेल्प से जो है हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे और इसी के हेल्प से बैटरी को चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग इस सोलर पैनल से चार्ज करते हैं तो इसके लिए हाई वोल्टेज हो जाएगा और ये बैटरी आपकी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जब आप डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आप खरीद लेते हैं तो इसके आउटपुट सेक्शन में एक एम्पियर वाला डायोड लगा लेते हैं 1N4007। ये क्या करेगा कि रात के समय में बैटरी से उल्टा करंट सोलर पैनल में ना चले जाए, इसको रोकने का काम करेगा। तो इस डायोड को लगाना ज़रूरी है, और इस डायोड को लगाने के बाद ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि डायोड के थ्रू भी जो है वोल्टेज 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ इसमें मेंशन होता है, इनपुट प्लस इनपुट माइनस, और इस साइड देखिए आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस है। तो ये इनपुट का प्लस माइनस है, इसको हम लोग क्या करेंगे सोलर पैनल के इनपुट वाले सेक्शन में लगा लेंगे प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए इसमें रेड कलर की पट्टी है, ये पॉजिटिव वाला वायर हो गया, इसको सोलर पैनल के पॉजिटिव में लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाला वायर है, तो इसको हम लोग नेगेटिव वाले वायर में इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। और इस टाइम में अभी देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग को इसको स्टेप डाउन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर में इसको 20 वोल्ट DC पे सेट कर लेते हैं और प्रोब वाले वायर को नेगेटिव पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना वोल्टेज हम लोग को इसके इनपुट सेक्शन पे मिल रहा है सोलर पैनल से। तो फ्रेंड देखिए ये 20 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए 1 लिखा गया है, तो ये 21.1 वोल्ट मिल रहा है अभी। तो इसको जो है घटाना है हम लोग को। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस DC to DC बक कन्वर्टर के आउटपुट में
मल्टीमीटर के प्रोब वाले वायर को लगा लेंगे, तब जाके हम लोग एक्यूरेट वोल्टेज सेट कर पाएंगे। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज अभी 20 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड, आपको मल्टीमीटर में ये दिख रहा होगा। आउटपुट वोल्टेज देखिए 20.1 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियोमीटर इसमें लगा हुआ है, इसी के हेल्प से जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। तो इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी, इसको रोटेट कराएंगे तो आप देखिएगा कि वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पर। इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मल्टीमीटर में ये दिखेगा। तो हम लोग को 7.2 वोल्ट पे इसको ले जाना है। तो फ्रेंड देखिए इसको इस तरह से रोटेट कराएंगे, इसको जैसे ही रोटेट कराएंगे थोड़ी देर के बाद देखिएगा वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड वोल्टेज घटना शुरू हो चुका है, अब इसको जो है हम 7.2 वोल्ट पे इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि 7.2 वोल्ट ही 6 वोल्ट के बैटरी के लिए चार्जिंग वोल्टेज होगा। तो देखिए फ्रेंड 7.2 वोल्ट पे ये आके सेट हो चुका है। अब हम लोग इसे जो है इस बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एमीटर सेक्शन का यूज़ करेंगे कि करंट का फ्लो अभी सोलर पैनल से बैटरी की तरफ हो रहा है कि नहीं। इससे आपको ये एग्जैक्टली प्रूफ हो जाएगा कि बैटरी इससे सही से चार्ज हो रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 एम्पियर डीसी पे मल्टीमीटर के नोब को घुमा के सेट कर लेंगे और पॉजिटिव वाले प्रोब को हम लोग 20 एम्पियर पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ से जो है डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर का आउटपुट निकला हुआ है, इसी से हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला वायर है, इसमें मल्टीमीटर का हम लोग पॉजिटिव वाला वायर को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी एमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाले वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। बक कन्वर्टर का पॉजिटिव वाला वायर है और ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला वायर है। अभी जो ये नेगेटिव वाला वायर है ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि एमीटर का कनेक्शन जो है सीरीज में होता है और ये नेगेटिव वाला फाइनल आउटपुट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल कनेक्टर ले लिए हैं बैटरी के चार्जिंग के लिए, इससे आसानी होगी। मैं ये जो मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, टर्मिनल कनेक्टर का पॉजिटिव वाला वायर को इसमें कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस नेगेटिव वाले वायर से हम लोग को पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और ये नेगेटिव वाले वायर में बैटरी वाले का नेगेटिव वाला कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी देखिए इसमें बैटरी यहाँ पे लोड की तरह काम करेगा, अभी कुछ कनेक्शन इसमें नहीं किया हुआ तो ये 0-0 दिख रहा है। जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो सोलर पैनल से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग को मल्टीमीटर के एमीटर सेक्शन में अभी दिखने लगेगा। तो इसमें भी पोलैरिटी का ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना है, नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, इस तरह से इसको कनेक्शन कर देना है। तो फ्रेंड देखिए अभी जो है सोलर पैनल से इसमें 330 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी रेडिएशन थोड़ा कम है, ये देखिए 0.33 एम्पियर, अभी देखिए और घट गया है क्योंकि रेडिएशन घट बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशन है सोलर रेडिएशन में, उसी के अनुसार बैटरी को करंट मिल रहा है। तो अभी 200 मिली एम्पियर हो गया है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर रेडिएशन परफेक्ट रहता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इसको मिलता है तो उस टाइम में यहाँ पर 500 मिली एम्पियर के हिसाब से बैटरी को ये चार्ज करता है। तो इस तरह से जो है आप एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर लगा के 6 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट के सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।